आज हम पता करेंगे कि ITR लंबे समय तक प्रोसेस में दिखा रहा है, जिस टाइप में ये प्रोसेस दिखा रहा है तो ये कितने टाइम तक प्रोसेस दिखाता है, किसी का पहले क्रेडिट हो जाता है, किसी का बाद में प्रोसेस में दिखाता है, तो ये कैसे होता है, इसका क्या प्रोसेस है, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस राजपुरोहित आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन राजपुरोहित में। सबसे पहले आपको क्रोम खोलना है, क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद में आपको यहाँ पे ITR की वेबसाइट को ओपन करनी है। उससे पहले आपको जैसे आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आप उसको डेस्कटॉप साइज कर ले ताकि जो आइकन है आपको क्लियरली विजिबल हो सके। मैं इसको डेस्कटॉप साइज कर लेता हूँ। ये देखिए आपके सामने डेस्कटॉप की तरह ओपन होगा। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। उसमें आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, या फिर आप जो एरो दिख रहा है इस पर भी क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे चला जाएगा। उसके बाद आपको ये चेक मार्क करना है, पासपोर्ट लगाना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। आपका ITR अगर वेरीफाइड के अंदर है तो कैसे शो करता है, और प्रोसेसिंग के अंदर है तो कैसे शो करता है, आज हम इसी का पता लगाएंगे। अभी आपको क्या करना है, ITR फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे व्यू ITR पे क्लिक करना है। व्यू ITR पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके जितने भी ITR फॉर्म भरे हुए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। अभी हमने इसमें दो ITR भर रखे हैं, एक ओरिजिनल है एक रिवाइज है। तो ओरिजिनल में कुछ टेक्निकल मिस्टेक होने के कारण आप रिवाइज भर सकते हैं। रिवाइज के लिए फिर आपका रिवाइज ITR ही प्रोसेस होगा। अभी हम रिवाइज ITR पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आपके सामने अलग अलग डेट्स हो रही है, ITR कब फाइल किया गया है, कब एक्सेप्ट हुआ है, अगर आपने बाई पोस्ट भेजा है तो वहाँ पे रिसीव शो करेगा, और उसके बाद अगर आपने उसको वी वेरीफाई भी कर दिया है तो उसका भी ऑप्शन शो होगा। उसके बाद उस पर कब एक्शन हुआ है वो दिखाएगा। अंडर प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, लंबे समय तक अंडर प्रोसेस में क्यों दिखा रहा है ये भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। अभी हम पता करेंगे कि हमारा ITR अंडर प्रोसेस में कैसे है और किस असिस्टिंग ऑफिसर्स के पास में है और कौन इसको हैंडल करता है। ये आपकी उसके लिए आपको अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर होते हैं जो ये, इसको कॉपी कर लेना आपको, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, पैन कार्ड नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर को आप कॉपी कर सकते हैं, इसे कॉपी करेंगे यहाँ से हम। उसके बाद में आप अपने अकाउंट को लॉग आउट कर लें, लॉग आउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लॉग आउट कर लेंगे। जैसे ही आप लॉग आउट करेंगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस शो होगा, जिसके अंदर ITR के अलग अलग फीचर्स शो हो रहे हैं। उस फीचर्स को हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे ITR स्टेटस पे, ITR स्टेटस को चेक करेंगे हम, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ITR स्टेटस के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर और मोबाइल नंबर डालने हैं। याद रखें जो एक्नॉलेजमेंट नंबर हमने वहाँ से कॉपी किए थे वो नंबर आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। अगर आपके मोबाइल में पेस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप उसको टाइप कर दें।
एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको ध्यान से डालना है, जो आपके नंबर हैं वो सेम होने चाहिए। अगर उसमें डिजिट मैच नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं दिखाएगा। उसके बाद आप एक मोबाइल नंबर डाल दें और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस के बाद में आप देखेंगे आपका ITR अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया, आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसमें दिखाएगा आपका ITR अंडर प्रोसेस है। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा ITR अभी तक अंडर प्रोसेस में क्यों है और किस असिस्टिंग ऑफिसर जिसको AO बोलते हैं वो इसको हैंडल करता है। आप याद रखें, हर ITR को अलग अलग असिस्टिंग ऑफिसर्स होते हैं जो उसको हैंडल करते हैं। आपने उस ITR के अंदर में क्या फिल किया है, कौन से सेक्शन में कितना अमाउंट क्लेम किया है, ये सब देखा जाता है प्रोसेसिंग के दौरान। अगर आपने क्लेम मिसमैच हो रहा है या फिर आपकी इनकम मिसमैच हो रही है तो आपको डिफेक्टिव नोटिस आता है। उसके बाद आपको नो योर AO पे क्लिक करना है। नो योर AO पे मतलब आप अपने असिस्टिंग ऑफिसर्स को जानने के लिए नो योर AO पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा जिसमें आपको अपने पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर डालने पड़ेंगे। जैसे ही आप पैन कार्ड नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, मैं मेरे पैन कार्ड नंबर टाइप कर देता हूँ, आप कॉपी या पेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल में ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो। याद रखें, इसको आपको ठीक से डालना है। अगर आप इसको ठीक से नहीं डालेंगे तो ये इस टाइप का एरर शो करेगा। दोबारा इसको मोबाइल नंबर टाइप कर लिया लेकिन ये एरर शो हो रहा है। आपको पैन कार्ड नंबर को रिमूव करना है और उसके बाद दोबारा रीटाइप करना है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर टाइप करना है। पैन कार्ड का नंबर टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करने हैं। यहाँ आप अपने मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में एक OTP जनरेट होगा। ये देखिए, आप मेरे फोन में एक OTP आ गया है। OTP सबमिट करने के बाद में आपके सामने फाइनली इस प्रकार का इंटरफेस होगा जिसमें आपकी बेसिक डिटेल और असिस्टिंग ऑफिसर की डिटेल शो करेंगी, जिसमें आपका पैन कार्ड नंबर बेसिक डिटेल में शो करेगा, बाकी आपकी डिटेल वहाँ पे शो होगी। इस प्रकार आप अपने ITR को चेक कर सकते हैं।